तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो इस साल के आईपीएल में सभी टीमों के पास कुछ ऐसे ऐसा खिलाड़ी है जो कि अकेले के बलबूते पे कोई भी मैच को निकाल सकता है, और मैं आज वही खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूं। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर सनराइज हैदराबाद की बात किया तो नाम आता है राशिद खान, क्योंकि कुछ साल आईपीएल खेलकर प्रूफ कर चुका है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है ये, और यूएई का पिच स्पिनिंग पिच होने वाला है। तो इस साल के आईपीएल में सनराइज हैदराबाद की तरफ से ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया एक फैक्टर क्रिएट कर सकता है। फिर केकेआर की अगर बात किया जाए तो एक ही नाम आता है, वो है एंड्रे रसेल। ये कैरिबियन खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और ये इस समय सीपीएल खेल रहा है, और केकेआर इनके ऊपर बहुत ही डिपेंड करने वाला है इस साल के आईपीएल में भी। उसके बाद आता है मुंबई का सबसे बड़ा खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जो कि बहुत ही बढ़िया फिनिशर है, और ये खिलाड़ी मुंबई का सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी है, और ये फास्ट बॉलिंग के साथ बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग भी बहुत ही बढ़िया तरह से कर सकता है। फिर अगर नजर दिया जाए सीएसके के ऊपर तो सीएसके के टीम में सबसे बढ़िया, सबसे वैल्यूएबल, सबसे एक सेक्टर क्रिएट करने वाला खिलाड़ी होने जा रहा है शेन वॉटसन, क्योंकि ये एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है और ये ओपनिंग में बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकता है, और इसी वजह से ये खिलाड़ी चेन्नई की टीम की तरफ से इस साल बहुत ही एक्स फैक्टर क्रिएट करने वाला है। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के टीम की तरफ से एक्स फैक्टर क्रिएट करने वाला खिलाड़ी एक ही है, और वो है बेन स्टोक्स, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले के दम पर पूरा मैच को निकाल सकता है और ये बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलिंग भी करता है। तो ये खिलाड़ी दोनों तरफ से बहुत ही वैल्यू करने वाला है आरआर की टीम के लिए। फिर अगर बात किया जाए पंजाब की टीम का तो इस टीम के पास एक ही ऐसा प्लेयर है, और वो है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल। 2014 में जब पहले का 20 मैच खेला गया था तब ये खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन किया था, और इस साल भी यूएई में इनके ऊपर बहुत ही नजर रहने वाला है। फिर आता है आरसीबी टीम की बारी, और आरसीबी के टीम में सबसे बड़ा एक्सपेक्टर होने जा रहा है एरन फिंच, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन टीम का टी20 का कैप्टन भी है, और ये ओपनिंग में ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकता है जो कि बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आरसीबी के टीम के लिए। और लास्टली अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात किया जाए तो ये टीम का एक्सपेक्टर होने जा रहा है ऋषभ पंत, क्योंकि ये विकेटकीपर बैट्समैन बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, और दिल्ली कैपिटल्स की वेल बैलेंस टीम में ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया एक सेक्टर क्रिएट करने वाला है इस साल के आईपीएल में। तो यही था सभी टीमों में से 8 खिलाड़ियों का नाम जो कि इस साल के आईपीएल में एक सेक्टर होने वाला है सभी टीमों के लिए। आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी इनमें से सबसे बड़ा एक सेक्टर, मतलब सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी होने जा रहा है, वो आप मुझे कॉमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलेगा, और अगर ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।